तो गाइस फाइनली अपना नया ट्रेन स्टेशन बनकर रेडी हो चुका है। और भाई इसको बनाने में मेरी जो हालत खराब हुई ना गाइस, मैं क्या बताऊं यार। और ये है अपनी सेकंड क्रॉसिंग, जहां से एनपीसी की कार सब बिना ट्रेन को टक्कर मारे आराम से जा सकती है। यहां पर दोनों साइड के अंदर मैंने पोल्स भी लगा दिया है। और ये देखो गाइस, पूरे ट्रेन ट्रैक पर मैंने इतने सारे पेड़ और इतने सारे इलेक्ट्रिक पोल्स लगा दिए हैं, और अब अपना ट्रेन ट्रैक और भी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। और ये है गाइस अपनी पहली क्रॉसिंग, जहां पर मैंने थोड़े स्पीड ब्रेकर्स को भी लगा दिया है, और इसके दोनों साइड में मैंने सेफ्टी वॉल्स भी लगा दिए हैं। तो मैक्स आर्मी, पिछले एपिसोड के अंदर हमने इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D के अंदर एक बहुत बड़ा और इम्पॉसिबल चैलेंज ट्रैक बनाया था, जिसे पूरा करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन गाइस वेट, क्योंकि आज हम इस गेम के अंदर बनाने जा रहे हैं अपना खुद का एक नया ट्रेन स्टेशन। क्योंकि गाइस अपने गेम के अंदर फिलहाल सिर्फ एक ही ट्रेन स्टेशन है, और हम सिर्फ एक नया ट्रेन स्टेशन ही नहीं बनाएंगे, बल्कि हम अपने ट्रेन ट्रैक को भी पूरी तरह से बदलने वाले हैं और उसको और भी ज्यादा ऑसम बनाने वाले हैं। साथ ही हम रोड के ऊपर क्रॉसिंग भी बनाएंगे, जहां से एनपीसी की कार जो है वो बिना ट्रेन से टकराए आराम से निकल सकती है। और हम उस क्रॉसिंग के अंदर स्पीड ब्रेकर्स भी बनाने वाला है, यानी कि कुल मिला के हम इस ट्रेन ट्रैक को एक रियल लाइफ वाला लुक देने वाला है, जिसके अंदर भाई बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन इस इतने बड़े ट्रेन ट्रैक को पूरी तरह से चेंज करना और एक नया ट्रेन स्टेशन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, और आज इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 3000 लाइक्स का। और मुझे पता है अपनी मैक्स आर्मी इस एम को बहुत जल्दी पूरा कर देगी। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कुछ बहुत ही ज्यादा ऑसम चीज बनाने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो ये है अपना ट्रेन स्टेशन, और हम सबसे पहले यहाँ पर एक क्रॉसिंग बनाने वाला है, और इस क्रॉसिंग को बनाने के लिए हम यूज करेंगे नई वाली वॉल्स को। तो चलो मैं जल्दी से पहले इस क्रॉसिंग का बेस बना देता हूँ। भाई मुझे लिटरली इस एक वॉल को एडजस्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लग चुका है, क्योंकि मुझे इस वॉल को एक सही एंगल पर एडजस्ट करके रखना था, वरना भाई कोई भी कार सीधा इस वॉल से आकर ही टकरा जाती। ठीक है, अब बस थोड़ी सी और इसको मैं सीधी कर देता हूँ। तो गाइस वॉल को लगाने के बाद मैंने रोड के बीच में थोड़े प्रॉप्स को भी लगा दिया है, और अब मैं रोड की दूसरी साइड पर इस वॉल को एडजस्ट कर रहा हूँ। और गाइस मैंने जो बीच में ये पार्किंग कोन्स लगाया ना, ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हम अभी थोड़ी सी देर के बाद यहाँ पर लिटरली एक रियल लाइफ जैसा स्पीड ब्रेकर भी बनाने वाला है। तो पहले मैं जल्दी से इस वॉल को एडजस्ट कर देता हूँ। चलो गाइस, दोनों तरफ की वॉल्स को मैंने बढ़िया एंगल के अंदर एडजस्ट कर दिया है, और अब मैं जल्दी से इन सारे प्रॉप्स को भी एडजस्ट कर देता हूँ, क्योंकि इन प्रॉप्स को लगाने के बाद हम यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर भी बनाने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो मैंने प्रॉप्स को एडजस्ट कर दिया है, और अब मैं यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर बनाने वाला हूँ, और इसको बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ डस्टबिन्स का। तो मैं आपको मिलता हूँ एक स्पीड ब्रेकर बनाने के बाद। चलो गाइस, अपना स्पीड ब्रेकर बन चुका है, और मैंने इसको टेस्ट करने के लिए एक थार को भी स्पॉन कर दिया है। तो चलो अब इस स्पीड ब्रेकर को टेस्ट किया जाए। ओके, पहला थोड़ा स्लो चल कर देखते हैं। चलो अपना स्पीड ब्रेकर एकदम सही जगह पर बना दिया है हमने, लेकिन अब इसका सेकंड टेस्ट करने का टाइम आ चुका है, और इसके अंदर अगर ये स्पीड ब्रेकर फेल हो जाता है तो मुझे फिर इसको रिमूव करना पड़ेगा। चलो देखते हैं कि क्या होता है। और फाइनली अपने स्पीड ब्रेकर ने इस टेस्ट को भी पास कर दिया है। तो अब जल्दी से मैं दूसरी तरफ भी सेफ्टी वॉल्स और एक स्पीड ब्रेकर बना देता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पर दोनों तरफ की सेफ्टी वॉल्स को लगा दिया है, और अब मैं जल्दी से यहाँ पर थोड़े प्रॉप्स को भी लगा देता हूँ। चलो गाइस, प्रॉप भी एक बढ़िया एंगल पर लग चुका है, और अब मैं यहाँ पर एक और स्पीड ब्रेकर बनाने वाला हूँ। तो मैं इसको जल्दी से बना देता हूँ, और इसको बनाने के बाद हम इसका भी एक टेस्ट करने वाले हैं, लेकिन इस बार हम एक नई कार के साथ इसे टेस्ट करके देखेंगे, और वो भी फुल स्पीड के अंदर। क्योंकि गाइस इस बार स्पीड ब्रेकर से एक एसयूवी कार तो बड़े आराम से निकल जाएगी, लेकिन जिस कार की प्रॉब्लम होगी वो होने वाली है लैम्बोर्गिनी और कुछ ऐसी ही कार जिनका ग्राउंड क्लियरेंस, यानी कि वो गाड़ियां ग्राउंड से एकदम चिपक कर चलती है। हम इस बार एक ऐसी ही कार के साथ इसका टेस्ट करके देखेंगे, और अगर इसके ऊपर से वो कार निकल जाती है तो ये स्पीड ब्रेकर इस टेस्ट में पास हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो हमने फाइनली यहाँ पर भी एक स्पीड ब्रेकर बना दिया है, और अब बारी आ चुकी है इस स्पीड ब्रेकर को टेस्ट करने की। तो मैंने यहाँ पर जल्दी से एक निसान GTR को स्पॉन कर देता हूँ। चलो अब बारी है इन दोनों स्पीड ब्रेकर्स को टेस्ट करने की। ओके, यहाँ से तो अपनी कार निकल गई, वो भी बड़े आराम से। अब यहाँ से निकल पाएगी या फिर नहीं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है।
और फाइनली भाई इन दोनों स्पीड ब्रेकर्स ने इस टेस्ट को पास कर दिया है। लेकिन अब बारी आ चुकी है गाइस एक और टेस्ट की, और ये टेस्ट एक अल्टीमेट टेस्ट होने वाला है, क्योंकि हम इस बार अपनी निसान GTR को फुल स्पीड के अंदर स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से लेकर जाने वाला है। तो अगर अपनी कार बीच में ही अटक जाती है तो फिर मुझे इन दोनों स्पीड ब्रेकर्स को या तो रिमूव या फिर इसे एक नए एंगल पर बिल्ड करना पड़ेगा। चलो अपनी कार ने स्पीड पकड़ ली है और भाई साहब इन दोनों स्पीड ब्रेकर्स ने एक अल्टीमेट टेस्ट को भी पास कर दिया है और अपनी पहली क्रॉसिंग बनकर रेडी हो चुकी है। और अब बारी आ चुकी है अपने ट्रेन ट्रैक को एक बहुत ही बढ़िया लुक देने की, तो मैं आपको वहीं पर मिलता हूँ। तो गाइज अपने इतने बड़े खाली ट्रेन ट्रैक को एक बहुत ही बढ़िया लुक देने के लिए मैं यहाँ पर एक गार्डन प्रॉप का यूज कर रहा हूँ, और उसके ऊपर मैं एक पेड़ को और एक इलेक्ट्रिक पोल को भी यहाँ पर लगा रहा हूँ। और इलेक्ट्रिक पोल मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि अगर फ्यूचर में किसी अपडेट के अंदर ये वाले पोल्स जलेंगे तो अपना ट्रेन ट्रैक रात को और भी ज्यादा ऑसम दिखने वाला है। तो मैं जल्दी से इस ट्रेन ट्रैक की दोनों साइड में बहुत सारे ऐसे ही गार्डन प्रॉप्स और पेड़ लगाने वाला हूँ। और मुझे पता है गाइस कि इसके अंदर बहुत सारा टाइम लगने वाला है, इसलिए मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। तो गाइज मैंने ट्रैक की क्रॉसिंग पर काफी सारे प्रॉप्स लगा दिया है और हम पहुंच चुके हैं थोड़ी सी दूर, क्योंकि मुझे दोनों तरफ ये सारे प्रॉप्स लगाने हैं तो इतना आसान और जल्दी नहीं होने वाला है। तो मैं इनको भी फटाफट से एडजस्ट कर देता हूं और आपको दूसरी तरफ मिलता हूं। गाइज ये देखो एक बार, क्या सही दिख रहा है यार ये। तो मैंने आधे ट्रैक पर इन प्रॉप्स को लगा दिया है और मैंने बीच में थोड़ी सी जगह भी छोड़ दी है, क्योंकि बीच में अपना चैलेंज ट्रैक भी आता है, और अगर मैं वहां पर भी इन प्रॉप्स को लगा देता तो जो प्लेयर्स इस चैलेंज ट्रैक को खेलते तो उन्हें बीच में काफी प्रॉब्लम आ सकती थी। बाकी मैं यहां तक पहुंच गया हूं और अब बस थोड़ा सा ही ट्रैक और बचा है, तो जल्दी से इन प्रॉप्स को एडजस्ट करते हैं और उसके बाद हम पहली वाली क्रॉसिंग पर जाएंगे और इस ट्रैक को टेस्ट करके देखेंगे कि भाई ये ट्रैक अब कैसा दिखने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं इस ट्रैक की दूसरी क्रॉसिंग पर, और मैं इसे क्रॉसिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी बस थोड़ी सी देर के अंदर हम यहां पर एक और क्रॉसिंग बनाने वाले हैं। और गाइस ये जो क्रॉसिंग होंगी ना, आप इसे देखकर चौंकने वाले हो, क्योंकि मैं इस वाली क्रॉसिंग को एकदम रियल लाइफ वाला लुक देने वाला हूं। बाकी इन प्रॉप्स को जल्दी से एडजस्ट करते हैं, फिर हम चलेंगे अपने पहले ट्रेन स्टेशन पर और वहां से हम ट्रेन के अंदर बैठकर आएंगे और इस ट्रैक को टेस्ट करेंगे। चलो गाइस, हमने इस साइड वाले पूरे ट्रैक को एक बढ़िया सा लुक दे दिया है, जिसके अंदर हमने गार्डन प्रॉप्स से लेकर इलेक्ट्रिक पोल भी लगा दिया है और साथ ही हमने पेड़ों को भी लगा दिया है। तो अब जल्दी से अपनी कार को लेकर चलते हैं और इस ट्रैक को एंजॉय करते हैं। भाई साहब मैंने सोचा नहीं था गाइस कि ये ट्रैक इन सारे प्रॉप्स को लगाने के बाद इतना ज्यादा ऑसम दिखने वाला है। आप चाहो तो अपनी कार को स्लो चलाकर भी इस ट्रैक को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हमें अभी तो बहुत सारा काम करना है, तो मैं जल्दी से ट्रेन के पास जा रहा हूं ताकि हम इस ट्रैक को अपनी ट्रेन के अंदर बैठकर भी देख सके। चलो गाइस अब बारी आ चुकी है इस ट्रैक को अपनी ट्रेन के साथ देखने की, तो चलो अब ट्रेन को सामने की तरफ लेकर चलते हैं। क्या बात है गाइस, मैं सच बताऊं तो ये ट्रैक बहुत ही ज्यादा प्यारा दिख रहा है, क्योंकि हमने लिटरली पहले तो इसके लिए एक बढ़िया सी क्रॉसिंग बनाई ताकि NPC की गाड़ियां सीधा इस ट्रेन से टकरा जाए। उसके बाद हमने इस ट्रैक के दोनों तरफ पहले तो गार्डन प्रॉप्स को लगाया, उसके बाद हमने उन गार्डन प्रॉप्स के अंदर पेड़ों को और पेड़ों के साथ ही हमने इलेक्ट्रिक पोल्स को भी लगाया। लेकिन वेट गाइस, ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब हम इस ट्रेन के लिए इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्योरी के अंदर एक बहुत ही बड़ा ट्रेन स्टेशन भी बनाने वाला है, साथ ही हम एक क्रॉसिंग भी बनाएंगे। तो जल्दी से अपनी दूसरी क्रॉसिंग पर चलते हैं और काम शुरू करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर दोनों साइड में सेफ्टी वॉल्स को लगा दिया है, क्योंकि हम यहाँ पर अपने नए ट्रेन स्टेशन की क्रॉसिंग बनाने वाला है, और अभी मैं यहाँ पर दो स्पीड ब्रेकर्स को भी बना रहा हूं। तो मैं जल्दी से यहाँ पर दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर्स बना देता हूं ताकि ये ट्रेन ट्रैक और भी ज्यादा रियलिस्टिक सा लगे, क्योंकि गाइस यहां पर ना ट्रेन का जो ट्रैक है वो रोड के ऊपर सही से विजिबल नहीं है, और इस वजह से ये जो जगह है ये बिल्कुल भी एक क्रॉसिंग जैसी नहीं दिखती है। तो यहाँ पर एक क्रॉसिंग बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी सी देर बाद, तब तक आप इस टाइम लैप्स को एंजॉय करो। ऑलराइट गाइस, तो मैंने दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर्स बना दिए हैं और अब बारी आ चुकी है इन दोनों स्पीड ब्रेकर्स को टेस्ट करने की, तो चलो इन दोनों को फटाफट से टेस्ट किया जाए। अच्छा गाइस, ऐसा करते हैं कि पहले ना एक फुल स्पीड वाला टेस्ट करते हैं और इसके बाद हम एक स्लो टेस्ट भी करेंगे, क्योंकि स्लो टेस्ट बहुत जरूरी है, वरना हमें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई गाड़ी अटकेगी या फिर नहीं। ठीक है, तो हम काफी दूर आ चुके हैं, तो चलो अब इन स्पीड ब्रेकर्स को टेस्ट किया जाए।
भाई साहब इतनी स्पीड होने के बाद भी अपनी कार ने बड़े आराम से इन दोनों स्पीड ब्रेकर्स को पार कर दिया है। तो अब बारी आ चुकी है एक छोटे से स्लो टेस्ट की, तो चलो अब स्लो टेस्ट को भी करके देखते हैं। ओके, अब यहाँ से हमें अपनी कार को एकदम स्लो लेकर चलना है और ये दोनों स्पीड ब्रेकर्स भी इस टेस्ट के अंदर पास हो चुके हैं गाइस, तो इन्हें अब फिर से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। चलो दूसरी तरफ की सेफ्टी वॉल्स भी लग चुकी है और अब मैं इन दोनों सेफ्टी वॉल्स के पास में अपना अपना एक साइन बोर्ड भी लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ का साइन बोर्ड लग चुका है और अब अगर आप कोई भी कार को लेकर आओगे तो ये वाला साइन बोर्ड आपको दूर से ही दिख जाएगा और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर एक ट्रेन की क्रॉसिंग भी है। तो अब दूसरी साइड में भी एक और साइन बोर्ड को लगा देते हैं। चलो ठीक है, तो दोनों तरफ के साइन बोर्ड्स लग चुके हैं। ये वाला साइन बोर्ड है इस वाले रोड के लिए और ये वाला साइन बोर्ड रहेगा इस वाले रोड के लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अपने नए ट्रेन स्टेशन को बनाने का काम चालू करते हैं। गाइज ये देखो, मैंने ना यहाँ पर बहुत सारे पार्किंग कोन्स को लगा दिया है और मैंने इनको यहाँ पर इसलिए लगाया है ताकि जब आप अपनी ट्रेन को इस वाले ट्रेन स्टेशन पर लेकर आओ तब आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि आपको स्टेशन के आने से पहले ही ब्रेक्स लगाने हैं ताकि आपकी ट्रेन ज्यादा दूर ना चली जाए। तो पहले मैं इन सारे कोन्स को एडजस्ट कर देता हूँ, उसके बाद मुझे दूसरी तरफ भी बहुत सारे कोन्स को लगाना है। ऑलराइट गाइस, तो मैंने दूसरी तरफ भी काफी सारे कोन्स को लगा दिया है और अब मैं इन्हें थोड़ा सही एंगल पर एडजस्ट कर देता हूँ ताकि ये सारे कोन्स दूर से भी बड़े अच्छे से दिख सके। तो गाइज एक छोटा सा लेकिन बहुत ही मजेदार सा अपडेट मैं आपको दे देता हूँ और वो अपडेट ये है कि मैंने यहाँ पर अपने नए ट्रेन स्टेशन का बेस बना दिया है और साथ ही मैं इसकी छत को भी बना रहा हूँ। चलो इसका बेस तो मैंने बना दिया है और अब बस इसकी रूफ रह गई है, तो मैं इन सारे कंटेनर्स को जल्दी से एडजस्ट कर देता हूँ। और गाइस इन कंटेनर्स को एडजस्ट करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर मैं इनमें से एक भी कंटेनर को टच करता हूँ तो दूसरा वाला कंटेनर भी अपने आप ही खिसक जाता है और उसके बाद मुझे इन सारे कंटेनर्स को फिर से रीएडजस्ट करना पड़ता है। और फाइनली ये बन चुका है अपनी ट्रेन स्टेशन का पूरा प्लेटफॉर्म, लेकिन ये अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है, इसके अंदर तो मैं अभी बहुत कुछ करने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से इस प्लेटफॉर्म को पूरा बनाते हैं। तो गाइज मैं इस प्लेटफॉर्म की चारों तरफ गार्डन प्रॉप्स को लगा रहा हूँ और उन गार्डन प्रॉप्स के अंदर मैं पेड़ों से छोटे पौधे बना रहा हूँ क्योंकि अपने पास फिलहाल गेम के अंदर एक भी छोटा पौधा नहीं है। ये देखो गाइज धीरे धीरे अपने प्लेटफॉर्म का लुक और भी ज्यादा बढ़िया होता जा रहा है और मैंने इसके पीछे भी इन गार्डन प्रॉप्स को लगा दिया है और अब बस इसकी लेफ्ट साइड बाकी रह गई है। तो मैं आपको मिलता हूँ इन सारे प्रॉप्स को लगाने के बाद। ठीक है, तो सारे गार्डन प्रॉप्स लग चुके हैं गाइज और मैंने इस प्लेटफॉर्म के पास में ही छोटे छोटे डस्टबिन को भी लगा दिया है और अब अपना प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा दिख रहा है। और गाइज ये तो कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी तो मैं इस प्लेटफॉर्म को अंदर से भी अपग्रेड करने वाला हूँ और साथ ही हम इस प्लेटफॉर्म के एकदम सामने की तरफ एक और प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं। तो गाइज सामने वाले प्लेटफॉर्म को मैंने पूरी तरह से रेडी कर दिया है और उस प्लेटफॉर्म को मैंने चारों तरफ से गार्डन प्रॉप्स और पेड़ों के साथ कवर कर दिया है और मैंने उस प्लेटफॉर्म की दीवार को भी बना दिया है और उसकी दीवार को बनाने के लिए मैंने थोड़ी सेफ्टी वॉल्स को लगा दिया है। वो दिखने में भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया दिख रहा है और अभी मैं इसके एकदम सामने की तरफ एक और प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ और ये वाला प्लेटफॉर्म भी सामने वाले प्लेटफॉर्म की तरह ही होना चाहिए। तो इसको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि सामने वाले प्लेटफॉर्म की जो रूफ है ना उसकी हाइट और इस वाले प्लेटफॉर्म की हाइट एकदम सेम होनी चाहिए वरना फिर इसकी रूफ जो है वो ट्रेन से टकरा जाएगी। बाकी मैं अब जल्दी से इस प्लेटफॉर्म को भी पूरा बना देता हूँ। चलो मैंने इसकी रूफ को आधी तो बना दी है, अब बस ये वाले कंटेनर्स को एडजस्ट करना रह गया है, तो मैं इन कंटेनर्स को भी जल्दी से एडजस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैंने इस प्लेटफॉर्म की रूफ बनाने के बाद इसके चारों तरफ गार्डन प्रॉप्स और उन प्रॉप्स के अंदर पौधे भी लगा दिए हैं और अब बस ये वाला प्रॉप रह गया है, तो मैं इसके अंदर भी जल्दी से पौधे लगा देता हूँ।
ठीक है, पौधे तो लग चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर मुझे एक और प्रॉप लगाना है और वो प्रॉप होने वाला है सामने वाले डस्टबिन का प्रॉप। तो मैं उस प्रॉप को भी यहाँ पर जल्दी से लगा देता हूँ। चलो सारे प्रॉप्स लग चुके हैं और अब बारी है इस प्लेटफॉर्म के अंदर सेफ्टी वॉल्स लगाने की, तो मैं जल्दी से सेफ्टी वॉल्स को भी लगा देता हूँ। तो गाइस सेफ्टी वॉल्स लग चुकी है और अब अपना सेकंड प्लेटफॉर्म भी पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है और अपने दोनों प्लेटफॉर्म्स अब कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। लेकिन गाइस वेट, अभी तो मैं यहाँ पर एक और छोटी सी चीज बिल्ड करने वाला हूँ और वो मैं आपको सीधा बिल्ड करने के बाद बताऊंगा। ऑलराइट मैक्स आर्मी, तो फाइनली अपना नया ट्रेन स्टेशन बनकर रेडी हो चुका है और मैंने यहाँ पर दोनों तरफ गार्डन प्रॉप्स को लगा दिया है और साथ ही इन दोनों प्रॉप्स के अंदर मैंने एक पेड़ के साथ एक इलेक्ट्रिक पोल भी लगा दिया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अपने दोनों प्लेटफॉर्म्स को देख लेते हैं। भाई साहब क्या बात है यार, गाइस ये नया ट्रेन स्टेशन लिटरली बहुत ही ज्यादा प्यारा दिख रहा है। दोनों तरफ इतने बड़े दो प्लेटफॉर्म्स के साथ उनके चारों तरफ गार्डन प्रॉप्स और पौधे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग दिख रहा है और अपना नया ट्रेन स्टेशन अब कुछ ऐसा दिखने वाला है। और गाइस जब आप अपनी ट्रेन को लेकर आओगे तब आपको अपनी ट्रेन की ब्रेक्स को क्रॉसिंग पर ही लगाने पड़ेंगे वरना आपकी ट्रेन इस स्टेशन से काफी दूर चली जाएगी। ओके अभी जल्दी से एक कार को स्पॉन करता है और इस पूरे नए ट्रेन स्टेशन को देखने के साथ साथ अपनी ट्रेन को भी लेकर आता है। चलो तो ये है अपना नया ट्रेन स्टेशन और इसकी थोड़ी सी दूर पर आपको इसकी सेकंड क्रॉसिंग मिलने वाली है और इसकी क्रॉसिंग कुछ ऐसी है जो बिल्कुल रियल लाइफ क्रॉसिंग की तरह दिखती है। उसके बाद जब हम यहाँ से चलते हैं तो हमें पूरे ट्रैक पर अब कुछ ऐसा नजारा मिलने वाला है जिसके अंदर हमें ट्रैक के दोनों तरफ गार्डन प्रॉप्स के साथ ही बहुत सारे पेड़ और इलेक्ट्रिक पोल्स मिलने वाला है। और फर्स्ट पर्सन मोड के अंदर ये ट्रैक अब कुछ ऐसा दिखता है। फिर जैसे ही हम अपने पहले ट्रेन स्टेशन पर आते हैं तो यहाँ पर हमें एक और क्रॉसिंग मिलने वाली है जिसके अंदर हमें सेफ्टी वॉल्स के साथ साथ पार्किंग कोन्स और स्पीड ब्रेकर्स भी मिल जाता है। चलो गाइस अब बारी आ चुकी है इस पूरे ट्रैक को अपनी ट्रेन के साथ देखने की, तो चलो देख लेते हैं कि ट्रेन के साथ ये नजारा कैसा दिखने वाला है। चलो गाइस अब अपनी पूरी मेहनत को आराम से देख लेते हैं और मैं आपको मिलता हूँ सीधा ही अपने नए ट्रेन स्टेशन पर। ऑलराइट गाइस तो ये है अपना नया ट्रेन स्टेशन जिसे हमने साथ मिलकर बनाया और इस नए ट्रेन स्टेशन को बनाने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया। बाकी आपको ये नया ट्रेन स्टेशन और अपने अपडेटेड ट्रेन ट्रैक कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और हाँ गाइस वीडियो का लाइक एम मत भूलना जो कि है 3000 लाइक्स का। और अगर इस वीडियो पर आप 3000 से ज्यादा लाइक्स कर देते हो तो फिर मैं इसका पार्ट 2 भी बनाने वाला हूँ और उसके अंदर मैं कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक करने वाला हूँ जो कि इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D के अंदर अब तक किसी ने भी नहीं किया होगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ इस नए ट्रेन स्टेशन को बनाने से पहले मैंने इस गेम के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पॉसिबल चैलेंज ट्रैक भी बनाया था, तो अगर आपको इस इम्पॉसिबल चैलेंज ट्रैक को देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो और उस चैलेंज ट्रैक को एंजॉय करो।